और आपको बता दें कि मणिपुर की घटना पर संसद में स्थगन का नोटिस दिया गया है। 5 से ज्यादा विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं गौरव गोगोई, मणिकम टैगोर, उन्होंने नोटिस दिया है। इसके अलावा राज्यसभा में राघव चड्ढा, मनोज झा और रंजीत रंजन का नोटिस ये दिया गया है। तो मणिपुर पर चर्चा चाहता है विपक्ष। और हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, विपक्ष जो है 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, ये नियम क्या कहता है वो बताएं। और पीएम ने खुद कल कहा था कि ये घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है, तो मणिपुर पर संसद के भीतर चर्चा करने में दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, विवाद है वो बात इसको लेकर है कि चर्चा जाए। सरकार इस पर एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए तैयार है राज्यसभा में, लेकिन जैसा आपने कहा कि कई विपक्षी सांसदों ने आज लगातार दूसरे दिन नियम 267 के तहत नोटिसेस दिए, और नियम 267 बहुत साफ तौर पर यह कहता है कि जो मसला जिस पर चर्चा की मांग हो रही है वो राष्ट्रीय महत्व का से जुड़ा एक मुद्दा है, और इस पर सदन की जो तय कार्रवाई है उसे रोककर विस्तार से एक लंबी चर्चा इस पर कराई जाए। जबकि जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है उसकी बहुत ही सीमित अवधि होती है, जो चेयर तय करता है, और उसी सीमित अवधि में उस पर चर्चा होती है। लेकिन इस बार विपक्ष की तरफ से मांग ये है कि मणिपुर का जो घटनाक्रम रहा है पिछले करीब 2.5 महीने में, वो पूरे देश के लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है, और इसमें कई विपक्षी दल के सांसद अपनी बात कहना चाहते हैं, और ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के तहत संभव नहीं है। और इसलिए ये मांग की गई है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अलग अलग नियमों के तहत कि जो लोकसभा और राज्यसभा की आज की तय कार्रवाई है उसे तत्काल रोककर 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हो तो मणिपुर संकट पर एक लंबी चर्चा शुरू की जाए। और ये मांग लगातार दूसरे दिन विपक्षी सांसद करेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन मुश्किल ये है कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। और आज आपको फिर से जो हंगामे की तस्वीर हमने कल देखी थी वही हंगामा आज फिर से लोकसभा और राज्यसभा में हो सकता है। जी, यहाँ आप बताएं कि सरकार का पक्ष क्या है, वो क्यों तैयार नहीं है, जिस पर प्रधानमंत्री ने अपनी आखिरकार चुप्पी तोड़ी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है मुख्य न्यायाधीश वो काफी चिंताजनक है, उस पर क्या दिक्कत है कि सरकार को कि अभी इस पर बात नहीं हो सकेगी लंबी विस्तार से? देखिए, ये विषय विपक्ष के कई सांसदों ने कल भी राज्यसभा में उठाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो विपक्ष के नेता हैं, और डेरेक ओब्रायन ने भी उठाया था, लेकिन उस वक्त पीयूष गोयल ने खड़ा होकर सिर्फ इतना कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, नियम 267 के तहत ये भी प्रावधान होता है कि लंबी चर्चा के बाद जो सवाल, जो विषय, जो मुद्दे सांसद उठाएंगे उस पर सरकार के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को, आप मान लीजिए एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को स्पष्टीकरण देना होगा, उन सवालों के जवाब देने होंगे, और ये मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा है कि इस पर प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर अपनी चिंता जताई है और इस पर एक चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन चर्चा 267 नियम के तहत हो इस मांग को अभी तक सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। जबकि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री का सदन के बाहर बयान देना काफी नहीं है, अब वो चाहते हैं, और ये मांग कल हुई थी राज्यसभा में कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार के जो वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं वो सदन में आकर जो सवाल हैं विपक्षी सांसदों के मणिपुर के घटनाक्रम को लेकर उस पर स्पष्टीकरण हाउस के अंदर दें। तो अभी फिलहाल इसी पर टकराव चल रहा है गया, और सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि क्यों 267 नियम के तहत वो तैयार नहीं है, लेकिन ये सवाल आज फिर से उठेगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में। जी, और जिस तरह से यहाँ पर हालात मणिपुर में बने हुए हैं, विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री, वरिष्ठ मंत्री जो हैं इस पर सदन के भीतर जो है सवालों का जवाब दे, और ये गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष चाहता है 267 के तहत नियम पर चर्चा, इसके तहत जो है मणिपुर पर चर्चा की जाए एक लंबी विस्तार से। वहीं सरकार के अपने तर्क है, वो इस नियम को अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु पूरी जानकारी के लिए।